हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो लर्निंग पॉइंट एंड आई एम प्रिया मिश्रा। सीएसआर का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है और जो पीएचडी का फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुका है फॉर डिफरेंट आईआईटीज, आईसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो वहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या रिसर्च इंटरेस्ट आपको 200 या फिर 250 वर्ड्स में मांगे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप रिसर्च इंटरेस्ट या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख सकते हैं फॉर ए पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या फिर जिसके लिए आपको लिखना है। किस तरीके से लिखना है, लोग अभी जो नए या जो फॉर्म फिलअप करने वाले स्टूडेंट हैं कन्फ्यूज्ड हैं, तो वही बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा था कि आप इसके बारे में भी एक वीडियो ज़रूर बनाएं। सबसे पहले मैं बात करूं तो स्टार्ट करें कि अपना इंट्रोडक्शन से आप स्टार्ट करें। आप लिख सकते हैं, लेट मी टेक द प्रिविलेज टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आपका जो नेम मेंशन है आपके मार्कशीट पे, वो जो आप नेम यहाँ पे अपना लिख सकते हैं। एंड आई हैव डन पोस्ट ग्रेजुएशन, आप जहाँ से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कम्प्लीट, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर आप यदि परस्यूइंग है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आई एम कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन एंड आई एम परस्यूइंग इन पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम। तो इस तरीके से यहाँ स्टेटमेंट आप चेंज करके लिख सकते हैं। जो भी आपका डिग्री है इन, सपोज डैट कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन जूलॉजी में पूरा किए हैं तो आप लिखेंगे जूलॉजी, या लाइफ साइंस के किसी सब्जेक्ट में पूरा किए हैं तो वो लिखिए, या जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी डिग्री है। और जिस भी यूनिवर्सिटी से आप जो आपने पूरा किया है वो यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पर फिल करिए। लाइक जैसे जो भी स्टेट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और कहाँ पर यूनिवर्सिटी किस स्टेट में लोकेट है वो ज़रूर मैंसन करिएगा। एंड सपोज डैट जो आप रिसर्च इंटरेस्ट, जैसे कि ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ एंड रिसर्च इंटरेस्ट है, तो आप इंटरेस्टेड हैं मॉलिकुलर बायोलॉजी में, जैसे मैं इंटरेस्टेड हूँ, आपका जो भी सब्जेक्ट हो, तो उसके लिए लिख सकते हैं आई हैव साउंड नॉलेज ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी। जो भी आपका जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो उसका आप यहाँ पे नाम लिखिए। एंड माई इनर डिज़ायर इज़ टू जॉइन मॉलिकुलर बायोलॉजी लेबोरेटरी। इस तरीके से आप लिखिए कि आपका जो आप चाहते हैं कि बायोकेमिस्ट्री, जो भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, रिस्पेक्टिव योर इंटरेस्ट, व्हाट यू वांट टू डू, वो चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं कि आप ज्वाइन करना सब चाहते हैं एज अ रिसर्च स्कॉलर। आप रिसर्च स्कॉलर के तौर पर जो ये लैब है वो आप ज्वाइन करना चाहते हैं। और आप लिखिए, नीचे लिखिए कि आई हैव गुड नॉलेज ऑफ मॉलिक्यूलर आई हैव गुड नॉलेज ऑफ बेसिक मॉलिकुलर बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट। क्योंकि मास्टर्स लेवल पे कुछ खास यदि आप इंटर्नशिप नहीं किए होंगे तो आपके पास जो है वो बेसिक नॉलेज ही होगा, तो इसीलिए आप लिखिए कि बेसिक नॉलेज है। जो लैब नॉलेज है उसके बारे में लिखिए। और यदि आपके पास जो मॉलिकुलर बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट का बेसिक नॉलेज भी नहीं है तो आप यहाँ पे एक चीज़ लिख सकते हैं कि यदि आप लैब से एक्सपोजर नहीं किए, जैसे अभी कोविड का टाइम था तो बहुत टाइम से जो है वो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बंद थी और ऑनलाइन ही चल रहा था सब कुछ, तो कुछ लोगों का डिजर्टेशन भी नहीं हुआ होगा, तो आप स्लैश टेक के डाल सकते हैं यहाँ पे, जैसे आई हैव गुड नॉलेज ऑफ बेसिक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स के जगह पे आप लिख सकते हैं कि आई हैव गुड नॉलेज ऑफ द बेसिक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी थ्योरिटिकल नॉलेज। इस तरीके से आप थ्योरिटिकल लिख सकते हैं, या तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि आपने लैब जो है वो परफॉर्म नहीं किया, लेकिन आप जितने भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लैब के टेक्निक्स है या फिर जिसके बारे में आप लिखना चाहते हैं उसके बारे में आपको जो है वो बेसिक आइडिया है। आगे बात करें तो आई हैव ऑलवेज ड्रीम्ड अबाउट, ये लिख सकते हैं आप, आई हैव ऑलवेज ड्रीम्ड अबाउट टू बी ए पार्ट ऑफ सच प्रेस्टिजियस ग्रुप टू गेट इंगेज इन हाई क्वालिटी रिसर्च। तो इससे जो आप उस इंस्टीट्यूशन के बारे में एक अच्छा खासा इम्पैक्ट ये कर सकते हैं। और जैसे रिसर्च इंटरेस्ट में एक और बात मैं आपको कहूँ, जिस भी इंस्टीट्यूशन का आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो वहाँ पे एकेडमिक सेक्शन में जाके जरूर देखें कि वहाँ पे किस पे रिसर्च हो रहा है, और उसी के रिगार्ड में रिसर्च इंटरेस्ट आप लिखना शुरू करें या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना शुरू करें। नेक्स्ट बात करूँ तो नेक्स्ट में आप मेंशन करिए, माई डिज़ायर इज़ टू कंडक्ट क्वालिटी रिसर्च विच डील्स विथ फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ एंड वॉन्ट टू कंट्रीब्यूट इन दिस फील्ड। आप इस तरीके से लिखने से आपका ये हो जाएगा कि आप इस फील्ड में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, रिस्पेक्टिव फील्ड, जिस भी फील्ड के बारे में आप लिखना चाहें उसके बारे में। और यदि कुछ भी और इस विषय के बारे में आपको आइडिया है, लाइक आपको कोई रिसर्च पेपर पढ़े हुए हैं तो वो भी आप कुछ लाइन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि किस फील्ड में आप क्या कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे, या फिर जो रिस्पेक्टिव प्रोफेसर का जो आपने पेपर पढ़ा हो जहाँ आप ज्वाइन कर रहे हैं उनके बारे में भी कुछ चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। आपका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो थोड़ा सा जो है वो अलग रहेगा बाकियों से, और थोड़ा सा अट्रैक्टिव रहेगा, तो सेलेक्ट होने की चांसेस जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। और आगे बात करूँ तो आप लास्ट में लिख सकते हैं, आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड इफ आई गेट दिस अपॉर्चुनिटी
या इफ़ यू गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू मे, तो इस तरीके का स्टेटमेंट लिखने से वो ये चीज़ें भी आपका जो मैनर्स है वो भी दिख जाता है। इसके बाद लास्ट में आप ये लिख सकते हैं कि आपको जो लैब का, लैब में जितने भी चीज़ें, जिस तरीके से जो गुड लैब टेक्निक्स हैं आप उसको फॉलो करेंगे। ये सब चीज़ें ऐड करने से एक अट्रैक्टिव रिसर्च जो आपका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ या रिसर्च इंटरेस्ट है वो बन जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने लाइन बाय लाइन डिस्कस किया कि किस तरीके से आपको लिखना है और किस तरीके से चीज़ें आपको मेंशन करनी है जो एक इम्पैक्टफुल रिसर्च आपका जो इंटरेस्ट है वो बन पाया जाएगा। और थैंक यू सो मच गाइस, किसी तरीके का डाउट है तो ज़रूर बताएं इसमें यदि आपको, और यदि आप चाहते हैं किसी तरीके का पर्टिकुलर वीडियो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में, तो वो भी मैं आपके सामने लेके आ सकती हूँ। एंड स्टे कनेक्टेड और इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए, और भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ जो भी है रिलेवेंट वो शेयर करती रहूँगी। थैंक यू सो मच गाइज।